हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और मैं अभी लगी हूँ डिनर बनाने में। यहाँ मैं लग गई थी शाम की दियाबाती करने, जिसके बाद फिर डिनर प्रिपेयर किया। ये व्लॉग एक्चुअली एक दिन का नहीं है, इसमें कई दिनों की क्लिप्स शामिल है जो आपको आगे देखने को मिलेगी। यहाँ मैं परवल छील रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मुझे बनानी थी परवल, आलू और काबुली चने की सब्जी, दाल और चावल। तो उसकी ये प्रिपरेशन जल्दी जल्दी हो रही थी। उसके बाद ऐसे ही मैंने सारे परवलों को छील करके उन्हें पीसेस में कट कर लिया था, मतलब कि एक परवल के लगभग 4 पीसेस किए थे। ये काबुली चना थे जिन्हें ओवरनाइट सोक किया था। उसके बाद ये मैं परवल को अलग अलग परवल फ्राई करके, पहले सिर्फ तेल डाल के परवल को थोड़ा सा ये रेडिश होने तक फ्राई करके निकाल लिया। फिर मैंने सब्जी में डाला था ये जीरा, तेजपत्ता और थोड़े बहुत ये खड़े मसाले, जो भी आपकी चॉइस हो, एक सूखी लाल मिर्च साथ के साथ डाल दी थी। और फिर इसके बाद डाला मैंने टमाटर, क्योंकि ये सब्जी मैं विदाउट अनियन गार्लिक बना रही थी, इसमें कोई प्याज लहसुन का यूज़ मैंने नहीं किया था, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने डाल दिए थे टमाटर। अगर आपको जिंजर गार्लिक का ये अनियन एंड गार्लिक खाना है तो पहले आप प्याज डाल सकते हैं, टमाटर से पहले प्याज डाल सकते हैं, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसे, फिर मैंने इसमें रेगुलर के स्पाइसेस जो डालते हैं वो, उसके बाद सारी सब्जियां ऐड करके वो क्लिप मिक्स हो गई और फिर मैंने ये सब्जी बना ली थी। और साइड बाय साइड ये मेरी दाल भी बन के तैयार हो गई थी। और फिर हमने किया डिनर और ये फिर हमने धो लिए थे रात के सारे बर्तन किचन क्लीनिंग करने के बाद। यह नेक्स्ट डे की क्लिप, मैं और अच्छी गए थे अपनी एक फ्रेंड के घर। वहाँ हम दोनों ने की खूब सारी बातें। वो अपने फ़ोन में कुछ मुझे दिखा रही थी और वो दिखा रही थी कुछ, वो कपड़े वगैरह लाई थी वो। फिर दोनों बच्चों ने की खूब सारी मस्ती। तो ऐसे करना, ऐसे मत करना। अगर कोई चीज का मना करता है ऐसे मत करना, अगर किसी चीज का हाँ मत करना ऐसे। ऐसे कर सीधे सीधा, नहीं हाँ, समझ में आ गई। हो जाएगी। यहाँ अच्छी मुझे बता रहे थे यस और नो का कैसे किया जाता है। और फिर आ गया ये दिन जब हम गांव जाने वाले थे। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त आज हम लोग जा रहे हैं गांव। हाँ, अभी डैडी तो पता डैडी कर रहे हैं रेस्ट। रेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। और हम लोग जग रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि हम लोग सो ही नहीं पा रहे हैं। सच में यस, वेरी एक्साइटेड। ये बूबा वा बाबा। ये फिर हम आ गए थे जिस दिन हम गांव से वापस आए। गांव की कुछ वीडियोस आपने ऑलरेडी देख ली होगी, ये कुछ क्लिप्स रह गई थी तो इसको इकट्ठे करके हमने एक व्लॉग बना दिया। और ये ट्रेन में बैठ गए थे हम, सुबह 6:30 की हमारी ट्रेन थी। और ये बाहर का व्यू, ये ग्रीनरी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे ट्रेन में ट्रैवलिंग, इसलिए सबसे अच्छा मुझे ट्रेन ट्रैवल लगता है। ये एक स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। ये एक्चुअली कौन सा स्टेशन, हाँ समस्तीपुर शायद स्टेशन था जहाँ जीत सो गए थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी उठना पड़ा था सबको, तो सबको ही नींद आ रही थी। अब ये देखिए, आप व्यू एंजॉय करिए।
कितना अमेजिंग मेस्मराइजिंग ये ग्रीनरी है। चप्पल क्यों पहन लो? चप्पल क्यों पहन लो? मुझे तो पता है पुलिस को बुलाने डाले। ढंग से बोलो। मुझे पता है पुलिस को बुलाने नहीं जाएंगे। नहीं पुलिस को नहीं बुलाएंगे। गेट उधर है और पुलिस सामने ही खड़ी है। ये फिर हम पहुंच गए थे दिल्ली स्टेशन और बैठ गए थे अपने घर की तरफ आने के लिए। ये रहा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम चल दिए थे घर की तरफ। जाजी को जाना है ऑफिस, उसके बाद मैं करूँगी घर का काम। चार पाँच ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, तो देखते हैं आगे। उसके बाद घर की क्लीनिंग करके मैं चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने, क्योंकि बच्चों की छुट्टी दी अभी 4-5 दिन हो गए थे। और फिर मैं ट्यूशंस पढ़ा के उस दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थके हुए थे। नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ मैंने आज लिया था साग, काफ़ी दिनों बाद उसे मैं साफ करने में लगी थी। ये एक बहुत टाइम टेकिंग टास्क होता है। सुबह सुबह मैंने ली थी साग, उसे छांटा पहले, उसके बाद फिर सोचा कि स्कूल्स ओपन होने से पहले एक बार सारे इन डब्बों की जो ग्रोसरी किट बॉक्सेस हैं उनको क्लीन कर लिया जाए, ताकि आगे फिर टाइमिंग थोड़ा इशू हो जाता है स्कूल वगैरह में। इस वजह से आज हम लगे हैं क्लीन करने। ये सारा मैंने शेल्फ स्पेस से पहले खाली कर लिया। ये सारा स्पेस पहले मैंने खाली कर लिया क्लीनिंग के लिए। नीचे यहाँ कुकिंग होती है, इसकी वजह से ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाती है, तो पहले मैंने इसे डिटर्जेंट वाले पानी से पूरा साफ किया कपड़ा लेकर के। वो स्पेस क्लीन करने के बाद उस पर बिछाया एक न्यूज़पेपर, के बाद में अगर गंदा हो सिर्फ न्यूज़पेपर हटा दिया जाए तो वो स्पेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो उस पर बिछाया सारा न्यूज़पेपर, फिर सारे बॉक्स डब्बों को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गए, क्योंकि देखिए उसके ऊपर क्लीन करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा तो उसके लिए हमने गर्म किया एक पैन में गर्म पानी में। हम ऐड करेंगे थोड़ा सा डिटर्जेंट, ज़्यादा गर्म नहीं करना पानी को, पानी को बस थोड़ा सा ल्यूक वार्म करना है, क्योंकि इसी में डिप करके हमें ये कपड़े से डब्बे सब साफ करने हैं, अदरवाइज़ आपका हाथ जल सकता है, तो इसका ध्यान रखें। स्टार्ट करेंगे हम क्लीनिंग। इस मेथड से मुझे फ़ायदा ये लगता है कि आपके जो बॉक्सेस में आपकी ग्रोसरीज है उसको निकालने का टेंशन नहीं होता, और फिर एक क्लीन कपड़े से इसे वाइप कर दो तो पूरा क्लीन हो जाता है, अदरवाइज़ फिर ग्रोसरी निकालो और काम बढ़ जाता है। तो अगर जल्दी में करना है तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। Daddy,
ये सारे बॉक्सेस हो गए थे क्लीन, उन्हें हमने कर दिया था अरेंज। ऊपर डिफरेंस दिख रहा है, फिर भी डिफरेंस दिख रहा था सारे में। और फिर हमने कर ली थी किचन क्लीन और सारे बर्तन, सिंक में काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, फिर हमने किया उन्हें वॉश। और ये हो गया था हमारा सारा काम। उसके बाद नहा धो के मैंने कुछ शूट नहीं किया था, थोड़ी देर कर लिया था रेस्ट। अब बज गए हैं शाम के 5। अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, उसके बाद शाम में शुरू होगा इवनिंग रिचुअल्स जो भी होते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ आज का व्लॉग हमारा यहीं तक। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।